ठीक है, एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस पता होगा 11th में, तो ये भी एक चैप्टर है, ये हमारा एलजेब्रा पार्ट का है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी बेसिक चैप्टर है, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए टॉपिक, ठीक है, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये देख लो आप। अब नंबर्स की इन्वेंशन देख लो, x-1 = 0 है, तो यहाँ से आप बताते हो कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 है, और 1 हमें पता है, 1 क्या होता है, नेचुरल। तो उसी तरह से इक्वेशन आते रहे और नंबर्स का इन्वेशन होते रहे। तो और एक ले लेते हैं, जैसे x+1 = 0, यहाँ पे क्या है, अगर हमने सॉल्व किया तो फिर हमारे पास आ गए x की वैल्यू माइनस, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, इंटीजर्स की मतलब इंटीजर्स आ गए। ओके, फर्स्ट क्या आ गया हमारा, नेचुरल नंबर n, देन इट इज i और k, इंटीजर्स को हम लोग i या फिर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह और भी आ गए, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। एक इक्वेशन आया मैथमेटिशियन के पास, ऐसा इक्वेशन, x square plus 1 = 0। जब ये इक्वेशन है तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करने वाला है। ओके, कोई ना कोई वैल्यू हमें इसे सेटिस्फाई करवाना है। अब क्या हो गया, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी आप रखो, है ना, कुछ भी, जैसे रियल नंबर जितने आप जितने आपने पढ़ेगा, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, जीरो तो देने वाला है नहीं, तो दैट इज लाइक ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है, इट शुड बी नेगेटिव, है ना, इट शुड बी नेगेटिव। ओके, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x² = -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। अब किसी नंबर की स्क्वायर नेगेटिव, तो शायद आपने अभी तक ऐसा स्टडी नहीं किया होगा ना, शायद आपने ऐसा भी स्टडी नहीं किया होगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू लिख दिया, x की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस। तो रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर क्या, नेगेटिव है, इसे हमने क्या किया, एक नंबर रिप्रेजेंट कर लिया। जैसे हमने ये बता दिया माइनस रूट अंडर ऑफ माइनस, हमने बोल दिया आयोटा, क्या बोला, आयोटा, रूट अंडर ऑफ माइनस वन। इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, इसे हमने नोटेशन से लिखा, वैल्यू का आयोटा। इस तरह एक नए नंबर बोल दो, इसका क्या हो गया, इसका डिस्कवरी हो गया, है ना, इसका आयोटा, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोटा के ऊपर, है ना, आयोटा प्लस आयोटा की प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक हम लोग नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक हम लोग नहीं आया, अभी सिर्फ आपको आयोटा के बारे में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में या फिर थोड़े आगे बढ़ के फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया जाएगा, क्या होता है, नहीं होता है। अभी फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आयोटा की प्रॉपर्टीज जानना है, और उसके जो सम्स है वो सम आप कैसे मतलब कैसे कोशिश करोगे उसको आपको पता करना है। ये तो आयोटा ही कॉन्सेप्ट, अगर आपने आयोटा का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, आयोटा स्क्वायर किया, ये हमारा आयोटा है, ये क्या आ गया, रूट अंडर ऑफ माइनस वन का स्क्वायर किया, तो कितना आ गया ये हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। ओके, सिमिलरली आयोटा क्यू, आयोटा क्यू, तो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा की पावर 1, ये आपने पढ़ा होगा, हमने 3 को क्या लिखा, 3 को हमने लिखा 2+1, ठीक है, फिर इसे हमने प्रॉपर्टीज लगाया, ऐसा कुछ आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो दैट इंप्लाइज
वी गेट माइनस आयोटा। एक आ गया हमारे पास आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली इफ आयोटा इज टू 4, आयोटा इज टू 4 क्या बनता है? आप ये सोचो आयोटा स्क्वायर को होल स्क्वायर कर लो, है आयोटा रेज टू 2 और इसे आपने होल स्क्वायर कर लिया, आगे माइनस 1 की पावर 2। ये हमारे पास आ गया आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू, आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखें ये सब, तो ये आपको लर्न कर लेना है जो हमने लिखाया अभी आयोटा रेज टू 2, आयोटा रेज टू 3, आयोटा रेज टू 4, इसे आपको स्टडी करना है, लर्न करना है। बाकी जितने ही पावर्स आएंगे, बाकी जितने ही पावर्स आएंगे वो आप यहाँ से बना लोगे। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक एग्जांपल लेते हैं आयोटा रेज टू 37, ओके आयोटा रेज टू 37, तो 37 को पहले तो आप 4 से डिवाइड करो, 37 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 × 9 = 36, 0 × 2 = 1, okay. So that implies 37 को आप क्या लिख सकते हो? Can be written as 4 × 9 + 1. अभी आप आयोटा रेस 37 को हमने लिख दिया आयोटा रेस 4 × 9 + 1, इस तरीका से आप इसे लिख सकते हो। Iota raised to 4 multiplied by 9, then again multiplied by iota raised to 1. कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाया? A raised to m plus n, A raised to m multiplied by A raised to m. Next, iota raised to 4 raised to 9 multiplied by iota. ये प्रॉपर्टी आपको बताया ना? A raised to m multiplied by n. So this is equal to A raised to m. Okay. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 4 into 9 को हमने क्या लिखा, iota raised to 4, then power उसकी आ गई 9. Okay. Power क्या आ गया 9 आ गया. अब iota raised to 4 की वैल्यू क्या हो गया 1. 1 raised to 9 multiplied by iota. So that implies, तो देखो 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, है ना, 1 की पावर कुछ भी कर लो वो क्या आने वाला है 1. आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक आया होगा समझ में। अब नंबर तक अगर अगर ज्यादा हो गया है, सपोज नंबर हमने आपको ऐसा दिया 5, 7, 8, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक शॉर्टकट निकाला है, एक शॉर्टकट निकाला, एक शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या कहता है, आपको डिविजिबिलिटी पता होगा ना, 4 की फोर से नंबर का डिविजिबल करने का। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो फोर से, देन योर रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 और 2 और 3, है ना, इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। ओके, ये सब आपको पता है ना? ये पता आपको ये कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ, कैसे करेंगे? ठीक है, और एक मिनट देख लो, जैसे 37 है, 37 को 4 से डिवाइड करो, हाँ बराबर, मिनट कितना आएगा? 1 आएगा ना,
क्या करना है हमें, आयोटा लिखना है, रिमाइंडर यहाँ पे वन लिखना है, जो रिमाइंडर रहेगा ना 0 1 2 3 अगेन एक लाइन आ गया। अब जैसे मान लो ऐसा आयोटा रेस्ट टू 66, ये बताओ तो कितना है रिमाइंडर, तो अगर आपने डिवाइड किया हाँ 56 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ मुझे कोई नंबर, नहीं 3 नहीं आएगा ना, 0 आएगा ना, 56 चला जाता है ना कंप्लीट, 4 आ गया 16 चला गया। तो क्या करने का, आयोटा रेस क्या लिखना, कितना गया था हमारे पास, बड़ा नंबर के लिए देख लो, 4 का डिविजिबिलिटी पता है ना क्या होता है, लास्ट टू डिजिट, इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, मान लो 2 1, इसे आप 4 से डिवाइड करो ये 100% 4 से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन आप क्या करो सिर्फ 16 हां ये 16 है, 16 क्या हो गया 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से अगर डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, लिखिए एक नंबर लेते हैं मान लो 2 3 5 8 2, इतना बड़ा नंबर है, तो क्या करना है अपन को सिर्फ लास्ट टू डिजिट पर फोकस करना है ना, क्या करना है सिर्फ लास्ट टू डिजिट पर फोकस करना है, तो 24 क्या होता है डिवाइड जाता है, लेकिन अभी कितना आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ देखो यहाँ भी वही करना है 83 है ना, 83 को डिवाइड करो 4 से, कितना है रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 आएगा ना, 3 आएगा, 3 आने के बाद आप क्या लिख दोगे, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर कितना, कोई भी नंबर से तो फिर ऐसा आप कर सकते, और क्या क्या हुआ है आपका कंप्लीट ना, पूरा कंप्लीट हो गया है क्या आपका, कैसा बता अगर 40 प्लस माइनस पर कहानी है एक की पावर कुछ भी कर लो हमेशा वन आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया माइनस वन, तो ये सब पता है। ये भी आपका बुक का प्रॉब्लम है, ये बनाया होगा बस हम आपका भी कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है
आपने ये पढ़ा है क्या, जीपी पढ़ा है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? टोटल वैल्यू निकालना, टोटल वैल्यू आप करो, फिर इसका शॉर्टकट भी बता रहे हैं। यहाँ पे तो सबसे बेस्ट मिनट पूरा वैल्यू निकाल लिया। रिमाइंडर कौन से बता सकते? हाँ 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 वैसे कर 4, 5 जैसे यहाँ पे कितना है, आई के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? हाँ मतलब की पावर 1 सही है। तो जैसे ये बता रहा है, नहीं 5 तो है नहीं, नहीं यहाँ पे 5 नहीं है। ओके आयोटा की पावर का वैल्यू क्या होगा? -1 बता दे ना, प्लस 1 का वैल्यू एलिमेंट 2 आएगा, -1 आयोटा की पावर 2 का वैल्यू क्या होगा? -1 ये आ गया माइनस की वैल्यू 1 ना। इसके बाद क्या आएगा, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 का वैल्यू क्या होगा? आयोटा की पावर 2 कितना आ गया, -1 ये आ गया। और देखो प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगा, नहीं 1 आएगा ना, आयोटा की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। अब आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्या करो ब्रैकेट से इसे, ठीक है? ये क्या हुआ यहाँ पे, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस पहले का जो टर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा ना, 1-1 पैटर्न फॉलो कर जाएगा, पैटर्न फॉलो कर जाएगा, है ना? ये रहा थॉट, मतलब क्या हमने देखा, वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा फर्स्ट सेकंड कैंसिल आउट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ऑब्वियसली जो लास्ट में जो 1 आएगा वो क्या होगा, मतलब अगर ऐसा प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा रेस 6 प्लस आयोटा रेस 8 प्लस डॉट 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 अप टू आयोटा रेस 22 हमने क्या दिया, क्या दिख रहा है, दिख रहा है 1-1 ओके प्लस 1-1 प्लस 1-1 लास्ट टर्म क्या आएगा, -1 आएगा। अगर ये -1 आएगा तो 100% इसके पहले का टर्म क्या आ रहा होगा, 1 ना, क्या क्लियर है? अब क्या होगा, सारे के सारे टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 0-0 आ गया सर पैटर्न, तो है ना पैटर्न फॉलो करते हैं।
बुक का और एक अच्छा प्रॉब्लम है, 10 नंबर शायद आपने किया होगा। आयोटा इज टू 592 से स्टार्ट है,
आवाज आ रही है ना आपको? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ गई बेटा आपको? ठीक है, तो देखिए 587 माइनस ऑफ 587 आंसर आया क्या आपका? आईक्यू। इतना आईक्यू? ठीक, so देखो एक्सपोनेंट का यहाँ पे डाटा यूज हो रहा है, then a raised to minus m we can write it as 1 upon a raised to, है बराबर? a raised to minus m को आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 upon a raised to m, so therefore I can write it as 1 upon iota raised to 587, ठीक है? 587, अभी क्या करना है? 587 को हमने डिवाइड करना है, किससे? 4 से डिवाइड करना है, ओके? सो इफ वी डिवाइड 587 बाय 4 देन वी गेट द रिमाइंडर एज 31 देयर, ओके? बिकॉज़ 84 डिवाइड करना है ना, 84 डिवाइड करना है, ओके? 84 डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आएगा, सो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन आयोटा क्यूब, ओके? अच्छा, आयोटा क्यूब का वैल्यू हमने बताया था आपको लर्न करने के लिए, अभी बताया ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू 1, इसे तो आप लर्न कर लो, सो देयरफॉर 1 अपॉन माइनस आयोटा
ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अभी तक आपको आयोटा की पावर में समझ में आ गया, कुछ भी अगर दिया है तो आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे, है बराबर। आयोटा के पावर आपको मतलब कुछ भी दे दिया जाए, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा, जो भी एक्सपोनेंट है, जो भी नंबर्स है, मतलब पावर कुछ भी रहे, वो आप वैल्यू इजीली निकाल सकोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी लिख लो, सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो। अगर कंटिन्यूअस हमारे पास चार टर्म्स है, जैसे सपोज आयोटा रेज टू 48, आयोटा रेज टू 49, आयोटा रेज टू 50 प्लस आयोटा रेज टू 51, देखो चार कंसेक्यूटिव हो गया 48, 49, 50 एंड 51, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, प्रोवाइडेड कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव अगर है तो 100% इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ना सर, 76 लिख लिया आपने, 77 लिखा, 78 लिखा, 79 लिखा है, तो इसका भी वैल्यू जीरो होगा, 100% इसका वैल्यू हमारा जीरो बनेगा। ओके, इसका वैल्यू भी हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। लगातार चार कंसेक्यूटिव नंबर्स है, लगातार अगर मान लो चार कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्लियर है। सो इन जनरल आप क्या लिखोगे, इन जनरल आप ऐसे लिखोगे आयोटा रेस टू एन, आयोटा रेस टू एन प्लस वन, एन प्लस टू, देन आयोटा रेस टू एन प्लस थ्री, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, ये हो गए चार कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपके पास है तो नंबर्स का हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो समेशन आर इज इक्वल टू फोर, चलो वन ले लेते हैं, है ना, 1 2 1 0 1, है ना, आर का रेस टू आर। समेशन का मतलब पता है क्या, समेशन, समेशन मतलब क्या होता है ना, एडिशन। समेशन ये सिंबल जो है, ये सिंबल, इसे हम क्या कहेंगे, समेशन। ठीक है, ये आप रख लो, इसके हम क्या कहेंगे, समेशन मीन एडिशन। ठीक है, समेशन मीन एडिशन, इसका मतलब क्या है, आप पहले आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वन। ओके, देन 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, अप टू 100 तक, है ना, कहां तक, अप टू 100 तक, मतलब सॉरी 100 नहीं 101। सो आयोटा इज टू 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू क्या करना है हमें, 101। बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा, 4.5, 4.2, 3.1, ये क्लियर है, ऐसे नंबर्स हैं। नंबर्स क्या हूँ, नेचुरल नंबर्स जो भी है। अगर मान लो इंटीजर से स्टार्ट है -4 से, ओके, सो देन -4 -3 -2 -1 0, क्लियर, तो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर टर्म्स काफी ग्रेटर है, काफी बड़े नंबर है, तो इसका हमने क्या लिखा, डॉट 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 डॉट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने का देखो मेथड क्या है, यहाँ पे आपको पहले वर्किंग रूल बता देते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक एक स्टेप लिखा दे रहे ताकि बाद में चल के आपको दिक्कत नहीं हो ना, क्लियर। ये भी काफी सिंपल है वर्किंग रूल। फर्स्ट क्या बताया,
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, ओके कितने हैं। सेकंड, डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स बाय फोर, फोर से क्या करो, टर्म्स को आप डिवाइड करो फोर से, ओके तो कुछ रिमाइंडर आएंगे, है ना। थर्ड क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इफ रिमाइंडर आर एम यू है इज जीरो, क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, है ना, और क्या क्या हो सकता है इफ रिमाइंडर इज वन, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, वन आ सकते हैं, और क्या बोलोगे, और बोल दोगे सर रिमाइंडर टू आ सकता है, है ना, और क्या हो सकता है रिमाइंडर थ्री आ सकता है ना, और कुछ होगा, और कुछ नहीं हो सकता ना। अगर रिमाइंडर जीरो आया, अगर रिमाइंडर जीरो आया देन जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर क्या बन जाएगा, जीरो, ओके। अगर रिमाइंडर वन तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट टर्म बन जाएगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे। अगर रिमाइंडर टू है तो फिर हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड, ओके क्लियर है। अगर रिमाइंडर आपका थ्री है तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस, है ना, क्लियर है, ये हो गया आंसर हमारा आंसर। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एक से लेके 101 तक कितना रहेगा, 10 है, सिंपल है, 1 2 3 से लेकर 10। अच्छा अभी क्या करना है, हमें 101 को डिवाइड करना है किसे, 4 से, पहले काम करो, पहले ये से देख लो ना, ये से ऐसे से देख लो फिर बता दो। ये नहीं पढ़े हो गया, ये नहीं पढ़े, नाम क्या आपका, विद्यमान, विद्यमान साहब, नहीं हाँ घर में नहीं थे, कौन क्या कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, अभी तक स्टार्ट नहीं, एडमिशन होने पर भी एडमिशन नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ था ना, कि ना प्रोसेस हो गया, कितना है रिमाइंडर, कितना है वन ना, अगर रिमाइंडर वन आता ठीक है, ध्यान से इसका आंसर क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या होगा, इफ रिमाइंडर इज वन आंसर इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब क्या हुआ यहाँ पर,
आया था है ना, जो भी रहेगा वो लिख देना है ना। अब सपोज ऐसा बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ है ना। अभी हमें क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहां तो सिंपल था, वन से लेके वन जीरो बनते हैं। यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे दिक्कत होगी ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 1 to 5 n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। सो कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहां, 5 1 2 3 4 5 कितने। अब सपोज हमने यहां पे दे दिया 2 से लेके 9 तक, इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने बता, काउंट करके बता कितना। 2 से लेकर 9 7 आ गए हैं, 7 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो, 8 हो गए ना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। ये होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस ये समझ आ रहा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस, ओके प्लस वन कर लोगे तो फिर हो जाएगा। जैसे यहां देखो 5 माइनस 1 4 4 प्लस 1 मतलब 5 आ गया है, ओके यहां पे कितना 9 माइनस 2 7 प्लस 1 कर लोगे 8 आ गया। यहां भी देखो 101 माइनस 1 100 प्लस 1 कर लिया 10, ओके ठीक है। तो आप मुझे इसके लिए बताओ कि कहानी इसके लिए हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 205 - 208 - 4 + 1 - 0 - 5 - 4 + 1 - 0 - 8 - 4 + 1 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 2 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 - 0 - 5 -
करेक्ट है, बहुत सही बहुत सही। आई एस टी कोड आ गया, कितना आ गया सर, सिंपल है ना, सिंपल ये सब हो गया, ये भी डिटेल होगा ठीक है। ये है एग्जांपल, ये भी है डिटेल लेकिन ये समझाया जा रहा है ताकि वो आसान रहे। बोर्ड में जो भी लिखा है ना, चाहे जो भी जो आपका क्लास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का है ना, वो पूरा लिख लिया करो ना, प्रॉपर नोट्स अगर हो ना अच्छा तो फिर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बारे में। बोर्ड में जो भी लिखा है चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो कोशिश करना लिखने का। और अगर ऑनलाइन चलेगा तो फिर रिकॉर्डिंग तो होगा, आपको भेजा दिया जाएगा, आप उस हिसाब से बना देना नोट्स। ओके कॉपी सेपरेट बनाना, ओके मैथ्स का अलग फिजिक्स का अलग केमिस्ट्री का अलग, ठीक है, तो खिचड़ी मत बना देना, खिचड़ी में दिक्कत ज्यादा है। जो मोटे वाले कॉपी होते हैं ना उसको बनाना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, 11 12 का सिलेबस काफी फास्ट है, दिख दिख गया होगा आपको, काफी सिलेबस ज्यादा है, तो नोट्स कॉपी अच्छा रहेगा ना,
तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होता, बाद में जब एग्जाम में कैरी करो ना तो फिर उस टाइम उसकी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गया, इस पे आप एक काम करो, एक वाले बस बना लो इस पे, नेगेटिव रहता है ना, माइनस माइनस 10 से लेके ज्यादा नहीं 76 और आयो का रेशियो होगा इसका रेशियो बना मुझे। साथ में थोड़ा हेल्प भी करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पहले बताना, नंबर ऑफ टर्म्स तो 87 को 4 से आप डिवाइड करो, कितने कितना है 3। अब 3 का मतलब क्या हो गया, टेक द फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा आयोटा रेस टू माइनस 10, सेकंड टर्म इज माइनस 11, थर्ड टर्म इज आयोटा रेस टू माइनस 10। इसके बाद आप क्या करोगे यहां पर लिखो पहले, इसमें से जो पढ़ाए ना अभी का रिवीजन में जो डाउट तो बताओ, और अगर आपका इस एक्सरसाइज से भी कुछ डाउट है तो ये भी पूछ सकते हो। ठीक, पहले आज का लेक्चर में देखो मुझे अगर परेशानी है तो बताओ।
और मेरा चीज है ना इसका थोड़ा सा बड़ा लगता है ना, हम लोग भी जब लेवल ट्वेल्व में थे ना हम लोग को भी लगता था सारे एकदम जैसा था ना वैसे ही लगता था, स्टार लग रहा है सन लग रहा है और तो आगे ये सब आ गया, ये सब अभी क्या डालोगे ना जैसे नंबर्स की हैबिट है तो अगर वो सब अगर आपको हैबिट डालोगे तो फिर हो जाएगा एक एक चीज को बार बार करते रहोगे करते रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। बस यही कोशिश करना क्लास में टीचर समझाए पूरा समझाना चाहिए ओके, और जो नहीं समझना है वो कोई पीछे से पूछो है ना, तब तक पूछे जब तक आपको समझ में नहीं आता ओके, बार बार पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा दिक्कत होता है थोड़ा सा बच्चे को मन में डर डर जाता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू क्लास करोगे तो फिर वो डर लग जाता है। नहीं
इसे हमने उनको सिखाया नहीं है ना, ठीक है, इसलिए नहीं बन जाता। तो बस बोलते हैं ये तो पॉजिटिव ये हमने सिखाया तो हमारा भी है हमारा नहीं क्या करना है आपको मेरे तो कौन से लिखा था ना सीडी नेक्स सीडी का नहीं ये सही था ना इसको डिपेंडर तो है नहीं हाँ सही वन निको चाहिए निको मतलब नहीं आता निको हाँ क्यों डायरेक्टली नहीं जा दिस सिर्फ इतना आया होगा वन आयोटा उपाय वन आयोटा सीटी का क्या ना सीटी का 20% क्लास से आता है ठीक है बाकी जो आपका 80% है वो क्लास ट्वेल्व से आता है तो ये बुक से ही आता है आपको हाँ सही हाँ सीटी का ये अच्छा बात है ना अगर तुमने पूरा टेस्ट पूरा कर लिया ना अच्छे से इसके 20% सीटी का क्या पैटर्न है बता रहा हूँ सीटी में सीटी का इसमें तुम्हारे कितना आप सोच रहे थे 200 मार्क्स ठीक है एक होता है 100 मार्क्स इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स 50 केमिस्ट्री 50 है ना और एक होता है मैथ्स मैथ्स में क्या आते हैं 100 मैथ्स का वेटेज ज्यादा है मैथ्स का वेटेज कितना होगा 50% ना फिजिक्स के 25 केमिस्ट्री के ठीक है अब मैथ्स में क्या है कितने क्वेश्चंस हैं 50% ठीक है 50% में से हमारे 10% तो से कहाँ से आते हैं प्लस ओके बाकी आ जाएंगे 40% क्या होगा प्लस ठीक है ये मतलब पैटर्न तो सौ है ना सौ सिक्स सौ में से अगर 60 के लिए आते हैं मैथ्स में तो भी आपको अच्छा वर्ड मिल जाएगा मतलब सिर्फ मैथ्स में टोटल 130 के अबाउट रख दो 130 120 आपको फिर भी अच्छा वर्ड मिल जाएगा बहुत सारे कॉलेज है तो सीओजी हो गए पता है कॉलेज कौन कौन से सीओजी हो गए पुणे में कौन सा कैसे की वैसे कर देंगे और एक बीएड के रिसर्च में शुरू किया ये सब अच्छे कॉलेज में है और भी है माइटीज ये सर ओके ये सब कॉलेज और 120 ऑफ लाते हैं 15 आपका सिलेक्शन हो गया 100% वो भी सीओ की मांग है और 100 के अमाउंट लाते हो 120 पर भी लाते तो भी आपका यहाँ हो जाएगा बेसिकली यार डिफिकल्ट नहीं नहीं अब देखो ना अगर तुम इसे फॉलो बना रहे हो टेक्स्ट बुक से फॉलो बना रहे हो ना बराबर मैं तो करोगे अच्छा लेकिन मेहनत जरूरी है मेहनत करोगे तो क्या हम लोग ये प्रॉब्लम किया है ना ये प्रॉब्लम आ गया
तो ये सब तो बड़ा होगा ना, वो सब तो बड़ा होगा ना उसके पहले हम बहुत सारे लोग टेस्ट होगा तुम्हारा ये सब तो पैटर्न के बारे में तुमको पूरा समझ में आ जाएगा हमारा क्या करना होता है करना ओके लास्ट ईयर किसी सब का हमारे स्टूडेंट का उसका कितना परसेंट आया था 99.68% और इसका क्या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी है पूरे टेक्स्ट बुक से आता है ये अच्छा तो अगर आप टेक्स्ट बुक अगर से करोगे एक एक प्रॉब्लम करोगे जैसे अभी हमने ये सीखा आपने ये बनाया तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर दूसरा आ गया वैसा कंटिन्यू करोगे ना कंटिन्यू समझ में टोटल जैसे आप पढ़ाई करते थे जैसे कंटिन्यू करोगे ना तो वहाँ जाके बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं मेन क्या है मैं आपको 11 से ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी 10% क्योंकि रीज़न क्या है ना ये 40% 12th में बन जाते हैं रीज़न क्या है 12th का तो आपको एक तो बोर्ड का प्रेशर होता है अभी आपका बोर्ड का प्रेशर है नहीं 12th में क्या होता है ना बोर्ड का प्रेशर के प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ये पार्ट क्लियर हो जाता है प्लस 12th कंपेयर टू 11 काफ़ी अच्छा होता है एक तो आपका बोर्ड का प्रेशर रहेगा प्लस सीटी का प्रेशर रहेगा
और बाकी जैसे ये बात फिक्स कर सकता है उसकी आप प्रॉब्लम है जैसे लास्ट मत करो क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत लास्ट है सॉरी मतलब जितने भी है डीलर है जो भी गया है लास्ट के पास और सबका लास्ट चल रहा है अभी ये करो कि ना जो पढ़ाई है जो डीलर पढ़ाई है इससे हम पूरा कंप्लीट इसी बुक को हम फॉलो करेंगे ना इसके बाहर एकदम नहीं जाएंगे ओके तो क्या होगा जैसे ऐसे पढ़ाते इसे कंप्लीट करते हैं छोड़ना मतलब जिस दिन जो पढ़ाया है उसी दिन उसी ना कोशिश को कम्प्लीट करने का तो उससे क्या होगा स्टडी फास्ट होते हैं अगर आप सोचोगे जो पढ़ा दिया आपने एक महीना बाद पढ़ोगे वो गड़बड़ हो जाता है गड़बड़ क्यों क्योंकि जहाँ पे अभी अगर आप एक घंटा दे रहे हो बाद में जाके वही चीज़ आपको पढ़ने में दो घंटा से तीन घंटा लग जाएगा नुकसान तो टाइम तो नहीं है ये हो और खास करके मिसलेनियस जब चैप्टर कम्प्लीट हो जाए हर चैप्टर अगर आप मिसलेनियस कर लेते हैं कोई भी चैप्टर को करो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाए तो आज क्या करना आपको आज से पढ़ी जाकर जो बोलती है ये सब करो और जो भी डाउट होगा फिर कुछ कहना बाकी से हम कंटिन्यू करेंगे ठीक जहाँ भी जो भी डाउट हो टीचर से पूछ लीजिएगा हमेशा ठीक है चलो ठीक है